हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12 मॉडलर का बोर्ड में लगाते कैसे हैं। वायरिंग से लेकर ए टू जेड आपको बताएंगे, स्विच सॉकेट ये सब लगाकर उसको पूरा सेटिंग करके ए टू जेड उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। ये दोस्तों, हमने दो सॉकेट लगा लिया है और ये स्विच लगा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो दोस्तों, और हमें दूसरा स्विच लगा रहे हैं। देखिए, स्विच सेम इसी प्रकार का इसमें लगता है और सॉकेट भी। इसमें 6 एम्पियर का स्विच सॉकेट का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, हम आपको सब लगा के और इसमें वायरिंग करके पूरा बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो देखिए, हमारा रेगुलेटर लग गया है बगल में, स्विच, और फिर ये उसके बगल में और स्विच लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, नीचे में दो ये स्विच है, वो सॉकेट का काम करेगा, और एक तो रेगुलेटर के बगल में है, वो वाला पंखा का है, और फिर इधर लगाए हैं वो वाला हम लोग का हो जाएगा बल्ब का। और ये लगाएंगे, मतलब एक रूम में हम दे रहे हैं दो बल्ब, एक नाइट बल्ब और एक नॉर्मल बल्ब है, और दो खाली जगह बचा था उसमें एक ठो में इंडिकेटर डालेंगे और एक ठो में एडजस्ट फैन का स्विच लगा देंगे। तो चलिए, उसको नहीं दिखा रहे हैं क्या कि हमारे पास अभी नहीं है, तो उसको लगा देंगे फिर आगे वीडियो में। ये वाला में देखिए, वायरिंग कर उसमें हम लोग लगा दिए हैं, स्विच नहीं था तो एक ठोकर ब्लैंक छोड़ दिए हैं उसमें, लास्ट में लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने अब वायरिंग करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वायरिंग करना है। तो हम लोग सॉकेट में लाइट, जो लाइट देते हैं वाला में लगा के स्विच का फर्स्ट वाला में देंगे, और नीचे में पूरा छील के तार डाल देंगे और पूरा फेस हम लोग का बन जाएगा। और वही वाला तार है, उसको छील के हम लोग ऊपर में जितना स्विच है उतना में देंगे। देखिए, उसको वहाँ तक पूरा नाप के छील देंगे। उसके बाद हम लोग स्विच में पूरा घुसा के टाइट कर देंगे, वो हम लोग का फेस बन जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। सेम इसी प्रकार आप 12 मॉडलर का बोर्ड को ऐसे सेटिंग करेंगे अपने घर में। तो देखिए दोस्तों, हमें फर्स्ट में लगा दिए और दूसरा में लगाने जा रहे हैं, अरे तीसरा में। इसी प्रकार से आप भी कर लीजिए। ये भी जो खाली जैसे नया इलेक्ट्रिशियन है या घर में रिपेयरिंग कर रहे हैं उन लोग के लिए है। तो और दोस्तों, इस तरह का बोर्ड बनाएं तो ध्यान से बनाकर ही लगाएं, कोई जानकार व्यक्ति को लगा दिखा के ही बोर्ड को मैं घर में अपने लगाएं, और उसमें न्यूट्रल फेस सप्लाई दें। अगर मिस्टेक से भी तार इधर उधर हो गया तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, और दोस्तों तार भी जलने का डर रहता है। तो देखिए, हम लोग पूरा फेस का काम कर लिए हैं, और ये जो सेकेंड वाला स्विच था ये उसमें हम लोग दे रहे हैं सॉकेट का, और आपको फिर अभी दिखाएंगे। इंडिकेटर और रेगुलेटर का बच गया है, उसका वायरिंग करके कैसे करते हैं। तो हम लोग पहले कर लेते हैं, चलिए पहले
इधर का टाइट कर लेते हैं, और जो ये सॉकेट का लास्ट लास्ट वाला बचेगा वो न्यूट्रल कनेक्ट होगा उसमें। तो देखिए हम लोग न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये टाइट नहीं हो पा रहा है स्क्रू, तो आपको चलिए वो करके वो दिखाते हैं। अब हो गया, और दूसरा में आपको दिखा रहे हैं रेगुलेटर का कैसे वायरिंग करते हैं। तो चलिए रेगुलेटर का भी हो गया है, और फिर अब इंडिकेटर का वायरिंग करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम रेगुलेटर को स्विच में देंगे, डायरेक्ट नहीं रहेगा। जैसे स्विच ऑन कीजिएगा तभी आपका इंडिकेटर चलेगा, सिस्टम देंगे। तो एक हम लोग तार इंडिकेटर में लगा लिए हैं, उसको छील के देखिए, जो स्विच का फर्स्ट वाला जैसे वो सॉकेट में क्या रहता है वही वाला में लगेगा वो वाला, तो आप उसको उसी में लगा लें। और आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें इंडिकेटर रीडिंग मतलब कह नहीं जलते रहता है तो मीटर में रीडिंग बताता है। जैसे घर का पूरा लाइट ऑफ रहेगा, इंडिकेटर जलते रहेगा, 4-5 रूम में रहेगा तो उसका मान लीजिए अगर थोड़ा थोड़ा लाइट ले रहा है तो साल भर में अगर जुड़िएगा तो बिल 10 से लेकर आपको 50 रुपये तक बिल उसी में बन जाएगा साल में। तो चलिए दोस्तों इंडिकेटर का ये दूसरा वाला भी कर लिए हैं, और उसको हम लोग सॉकेट का न्यूट्रल रहेगा उसमें देंगे। ये देखिए ये वाला न्यूट्रल है जो नीचे में ये लास्ट में है वाला, और ये सॉकेट का लास्ट में है वो वाला भी न्यूट्रल है, तो उसमें हम लोग लगा देंगे। और दोस्तों हम लोग ये वाला वायरिंग किए हैं घर में, तो इसमें पूरा ब्लैक तार यूज किए हैं। तो चलिए अब हो गया वो, अब आते हैं हम लोग। एक रूम था उसमें पूरा हम लोग के पास तार ब्लैक ही था, तो पूरा ब्लैक तार में घर का वायरिंग किए थे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। दोस्तों 1 mm का तार रहेगा, वो मान लीजिए आप उसको बनाइएगा जैसे पंखा का हो गया, बल्ब का हो गया, और एग्जॉस्ट फैन का हो गया, वो मतलब पॉइंट हाफ पॉइंट उसको बोलते हैं, उसको बनाइएगा। और 1.5 का ले लीजिएगा उसको, हाफ न्यूट्रल जैसे होल्डर का, बल्ब का, ये सब पंखा का रहेगा ना न्यूट्रल, उसका न्यूट्रल बना लीजिएगा। और 2.5 का रहता है उसको सर्किट बना लीजिएगा। तो इसमें हम लोग खाली 1.5 और 1 का यूज किए हैं। तो देखिए मैं पूरा 1 1 तार था वो पूरा लगा दिया हूँ स्विच में, देखिए। और न्यूट्रल में मैं निशान किया था, दाग किया था, तो उसको छट इन कर लेता हूँ, और उसको करके एक ठो तार में अच्छे से लपेट के टेपिंग कर दूंगा। तो देखते रहिए वीडियो में, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। तो देखिए ये हम लोग ले लिए हैं सब तार को साथ में, और कटिंग करके छील रहे हैं, छील के बढ़िया से लगा देंगे। ये देखिए एक तार बस लंबा छोड़ेंगे वो बोर्ड में न्यूट्रल में कनेक्ट होगा, और जो मेन आयर रहेगा MCB का वो भी इसी में है, ये लंबा वाला तार है, तो उसको लगा के अच्छे से प्लास से टाइट करके देखिए टेप कर देंगे। तो ये टेपिंग हो गया और अच्छे से कर दे रहे हैं, ये कंप्लीट वाला हो गया। और ये था, तो ये है हम लोग का मेन वाला जो फेस आया था वहाँ MCB से वाला है,
तो इसमें यहीं से लूपिंग कर रखा और दूसरा बोर्ड में मैं ले गया था, इसलिए दो ठो है। तो एक ठो को छील लेंगे और उसमें कनेक्ट कर देंगे, और इसको स्विच वाला जो नीचे फेस रहता है उसमें डालेंगे, स्विच के नीचे में। अब देखते रहिएगा, ये देखिए, इसको फिलिप टेप करके आपको पूरा लगा के दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और ज़्यादा लंबा था इसलिए हम लोग कटिंग कर लिए हैं, और वो भी लंबा था न्यूट्रल, तो उसको हम लोग कटिंग हल्का करके। और ये देखिए, तो ये हम लोग का न्यूट्रल वाला था, उसको लगाएंगे न्यूट्रल में। देखिए, जो लास्ट टाइम हमें बताया था ना न्यूट्रल है, उसी में लगाएंगे उसको। तो अब देखते रहिए वीडियो को। अब हम लोग अच्छे से टाइट कर लेते हैं उसको। और ये जो फेस था उसको हम लोग स्विच के नीचे वाला में डाल देते हैं। इसमें रनिंग और इन्वर्टर का हम लोग नहीं डाले थे, क्या है कि फिर अभी इमरजेंसी में वो कस्टमर था करवाया था, बाद में फिर करवाएगा, बंद करवाया था तो कुछ दिन बाद फिर चलेगा, फिर वो करवा लेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।